स्वागतम जानाइछो दिल्ली मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल तरफ पर दसटा गारंटी कथा क्या अरविंद केजरीवाल आज दसटा गारंटी घोषणा कर जो बिनामूलिया स्वास्थ्य बिनामूलिया बिजुली बिनामूलिया शिक्षार लगते आन सातटा गारंटी आछे और केजरीवाल यह दसटा गारंटीक लिया कांग्रेस और बिजेपी हलथेक पड़े केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यह दस गारंटी की तार तथ्य ग्राफिक्सर सहाय लहार चेस्टा कर जनाएसो टाइम एट बिग ब्रेकिंग अरविंद केजरीवाले एबार दिसे दसटा गारंटी और केजरीवाल दसटा गारंटीक लज केवल भारत चर्चा चलिसे प्रथम गारंटी चौबीस घंटा बिजुली दिया हम छत्तीसगढ़ जनता केवल सीमानी नीश यूनिट पर्यत बिनामूलिया बिजुली आम आदमी पार्टी सरकार हमें छत्तीसगढ़ जनता दिया हम जद छत्तीसगढ़ आपर सरकार बिनामूलिया शिक्षा और उन्नत मानदंड शिक्षार व्यवस्था कर गारंटी नम्बर तीन स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ बिनामूलिया हम गारंटी नम्बर चारिते आन एट प्रान छत्तीसगढ़ गाँवे गाँवे खोला हम मोहल्ला क्लिनिक चतुर्थ तो गारंटी कैसे छत्तीसगढ़ निबन प्रति माहे हजार टका प्रदान हम जैसे चाकरी नपाय गारंटी पांच ऊर बसरतक अधिक बयस महिला प्रति माहे एहेजार टक बैंक एकाउंट दिया हम गारंटी छ वृद्धसकलक बिनामूलियाकै आपर सरकार आहिले तीर्थ भवन करवा हब गारंटी हात सरकारी कार्यालय नुजुवाकै घरर पराय जनताय सरकारी काम करिब पारिब दुर्नीति नायकिया हब गारंटी आ कर्मरत अवस्थात शहीद हले जिकुनु जवानर परियालक दिया हब एक कोटी टकार सहाय्य परवर्ती गारंटी ठिका भित्तिक कर्मचारीर चाकरी नियमियाकरण हब और दस नम्बर गारंटीटो घोषणा हब आदिबासीर बाबे বিশেষ ব্যৱস্থা লব আৰু এইদৰে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ তৰফৰ পৰা কেবাটাও গ্যারান্টি প্ৰদান কৰা হৈছে দহটাকৈ গ্যারান্টি দিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে যদি ছত্তীশগড়ত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আহে এই দহটা কাম অরবিন্দ কেজৰিৱালে কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই দহটা গ্যারান্টিক লৈ ছত্তীশগড়ৰ আন ৰাজনৈতিক দলসমূহ এতিয়া সমস্যাত পৰিছে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য বিনামূলীয়া বিজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেবাটাও গ্যারান্টি দিছে আম আদমি পার্টির নেতাগী আজি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপর নেতাগী ছত্তীশগড় গৈছিলে জনতার সঙ্গে কথা পাতিছিলে আর তেতিয়া কৈছে যে যদিহে ছত্তীশগড়ত আম আদমি পার্টির সরকার আহে আপে সরকার গঠন করে দশটাকৈ কাম তেও করে দেখাব বিনামূলীয়া বিজুলি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য বিনামূলীয়া শিক্ষা তার লগতে নিবনুয়াক প্রতি মাহে তিন হাজার টাকা তার লগতে মহিলাক প্রতি মাহে এহেজার টাকা কেবল সিমানেই নহয় আদিবাসীসকলৰ বাবে ব্যৱস্থা কৃষকৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা শেষৰ প্লেটটো মই শুদ্ধ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ শেষৰ প্লেটটোত বিধায়ক হৈ আছে শেষৰ প্লেটটো বিধায়কৰ পৰিৱৰ্তে কৃষক হ'ব লাগে কৃষক আৰু আদিবাসী যিটো দহ নম্বৰ গ্যারান্টি সেয়া মই শুদ্ধ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভ্ৰষ্টাচাৰ নাইকিয়া কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ভ্ৰষ্টাচাৰ নাইকিয়া হোৱাৰ লগতে ঘৰৰ পৰাই সকলোৱে কাম কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে কোনোবা যদি জোৱান শ্বহীদ হয় কৰ্মৰত অৱস্থাত তেওঁক এক কোটি টকাৰ সাহায্য দিয়া হ'ব ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব বুলি কৈছে বিধায়ক নহয় কৃষক আৰু আদিবাসীৰ বাবেও দহ নম্বৰ গ্যারান্টি দুই এদিনতেই অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাগৰাকীৰ এই দহ গ্যারান্টিক লৈ সমগ্র দেশত এতিয়া চর্চা চলিছে আর আপর কর্মকর্তাসকলে এই দহ গ্যারান্টির জড়িয়ে আশা করেছে যে ছত্তীসগড়ত দিল্লী আর পাঞ্জাবর পিছত ছত্তীসগড়ত আপে নিজের অস্তিত্ব জাহির করবলে সক্ষম হব আমার লগত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মন্তব্য আছে মন্তব্য আপনার দেখাই লওয়ার চেষ্টা করছি নভেম্বর তককে জিতনে পুরানে বকায়া বিল হ্যায় সারে মাফ पंजाब में करा था चुनाव के पहले तक के दिसंबर तक फरवरी में चुनाव हुए थे फरवरी में पंजाब में जैसे पंजाब में फरवरी में चुनाव हुए थे तो दिसंबर तक के पूरे पंजाब के लोगों के जितने बकाया बिल थे दिसंबर तक के सारे माफ कर दिए एक बार में हमने उससे क्या फायदा हुआ लोगों को अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है सारे पुराने बिल माफ हो गए कई ऐसे तो पहली गारंटी बिजली की गारंटी मंजूर है दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं कोई पार्टी नहीं लेगी किसी में दम नहीं है कोई करना नहीं चाहती
आपके बच्चों की गारंटी ले रहा हूं, ये लोग आपके बच्चों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी मेरी है। आपका बड़ा भाई बनके, आपका बेटा बनके, आपके परिवार का सदस्य बनके आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मैं दिलाऊंगा। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंटरनेट पे जाके देख लेना, जितने दिल्ली में रिश्तेदार हैं उनसे पूछ लेना फोन करके, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को चमका दिया हम लोगों ने, शानदार बना दिया। तो आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी। और जितने प्राइवेट स्कूल हैं, इन्होंने लूट मचा रखी है, गुंडागर्दी मचा रखी है, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, फलानी फीस, ढिमका फीस, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल से स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। जो गुंडागर्दी मचा रखी है उसको, प्राइवेट स्कूलों वाली गुंडागर्दी को बंद करेंगे। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, छोटी मोटी भी बीमारी हो जाए, 4-5 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए डॉक्टर के यहां। और अगर भगवान ना करे किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, सारी जमीन बिक जाती है, सारे गहने बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। और सरकारी अस्पतालों के अंदर बुरा हाल है, ना मशीनें काम करती, ना डॉक्टर मिलते, ना दवाइयां मिलती, ना टेस्ट मिलते, बस डॉक्टर कुछ लिख देता, कहता बाहर से करा लो, है कि नहीं है। कुछ भी अस्पताल में चले जाओ, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा, आपको 10 रुपए की क्रोसिन की टेबलेट भी मुफ्त मिलेगी, टेस्ट भी मुफ्त होंगे, आपका अगर 20 लाख रुपए का ऑपरेशन भी है, ट्रांसप्लांटेशन भी है, वो भी पूरा का पूरा मुफ्त होगा दिल्ली के अंदर। चौथी गारंटी, रोजगार की गारंटी। दिल्ली में हमने लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां दी हैं दिल्ली में। पंजाब में अभी मान साहब ने बताया 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं पिछले 1.5 साल में, और अभी 3 लाख के करीब प्राइवेट नौकरियां तैयार हो रही हैं पंजाब के अंदर। नौकरी देनी आती है हमें, हमारी मंशा है नौकरी देने की। तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे, इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं। कोई दूसरी पार्टी आपको यह गारंटी नहीं देगी। और जब तक रोजगार नहीं मिलता, तब तक 3,000 रुपए महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं सुनता हूं बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता के महिला सशक्तिकरण बड़े भाषण देके जाते हैं। असली सशक्तिकरण तो तब होगा जब जेब में पैसे होंगे, नहीं तो सारी सशक्तिकरण की बातें फर्जी हैं। जेब में पैसे होंगे तभी तो सशक्तिकरण होगा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000-1,000 रुपए उसकी जेब में डाले जाएंगे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजते हैं, 12 स्थान हैं, द्वारका जी, रामेश्वरम, शिरडी बाबा, अयोध्या, हरिद्वार ऋषिकेश, इस तरह से करके 12 स्थान हैं। कोई आदमी कोई भी एक